हैदर अली को कल ही मौका देना चाहिए था, उसके लिए ज़रूरी होता कि आपको फाइनल के लिए पता चल जाता कि आपने फ़खर के साथ जाना है या हैदर के साथ जाना है। आई थिंक दसुन शनाका बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इनके अंडर टीम जेल हो गई है। देखिए थोड़ा सा जायज़ गुस्सा है फैंस का यहाँ पर, क्योंकि हसन अली की एज सच कोई लंबी परफॉर्मेंसेज नहीं नज़र आई। देखिए कल भी यही बात डिस्कस मैं कर रही थी कि जो मसला आ रहा है कि हम लोग थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, कल हमें हैदर अली को कल ही मौका देना चाहिए था, उसके लिए ज़रूरी होता कि आपको फ़ाइनल के लिए पता चल जाता कि आपने फ़खर के साथ जाना है या हैदर के साथ जाना है। अब एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप अब हैदर को करते हैं, उसके लिए भी इतना फेयर नहीं है ना, टीम के लिए फेयर है कि एक प्लेयर को आपने खिलाया ही नहीं, और फ़खर के ऊपर अब आप कितनी दफ़ा ज़िम्मेदारी डालेंगे, वो भी अंडर प्रेशर हैं, वो करना चाह रहे हैं पर उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो आई थिंक पाकिस्तान मिस्ड अ ट्रिक, कल के मैच में उनको हैदर अली को लाजमी खिलाना चाहिए था। अब तो जो थिंक टैंक सोचेगा उसी तरह से जाना पड़ेगा, और कभी रिस्क लेना भी पड़ता है। लेट्स सी कि क्या ये डिसाइड करते हैं। देखिए श्रीलंकन टीम के बारे में जो बहुत इम्प्रेसिव चीज़ें हैं वो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो उनकी जो जेल, जिस तरह से ये टीम है, जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये आखिरी बॉल तक हार नहीं मानते। दूसरी चीज़ इनकी ये है कि ये हर मैच से सीखते हैं, चाहे जीत रहे हैं या हार रहे हैं, हर मैच में इनकी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। डे बाय डे ये किसी न किसी चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ इनकी कैप्टनसी है। आई थिंक दसुन शनाका बहुत ही मैच्योर लीडर हैं, बड़ी अच्छी तरीके से इनके अंडर टीम जेल हो गई है। बड़े बीच में कप्तान आए, जब से संगरकारा गए, जयवर्धना गए, श्रीलंकन टीम में वो बात नज़र नहीं आ रही थी, पर अंडर शनाका आई थिंक टीम बड़ी ज़बरदस्त जेल हुई है। तो ये तीन चार डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि एक पूरी शेप अप हो रही है श्रीलंका की टीम। देखिए थोड़ा सा जायज़ गुस्सा है फैंस का यहाँ पर, क्योंकि हसन अली की एज सच कोई लंबी परफॉर्मेंसेज नहीं नज़र आई डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिससे उनको स्क्वाड में वापस लाया गया। बहुत से ऐसे प्लेयर्स डोमेस्टिक में मौजूद हैं जो परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। अमाद बट वहाँ पे ऑलराउंडर्स में मौजूद हैं। फ़हीम अशरफ की एक्सक्लूजन मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग थी। उसके बाद आमिर शहज़ाद एक जो हैं इस वक्त बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। हुसैन तलत भी मीडियम पेस कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं। तो बहुत से ऐसे ऑप्शंस थे, आमिर यामीन है, जिनको कंसिडर किया जा सकता था जब इंजरीज पे इंजरीज आई थी। तो आई थिंक पहले तो स्क्वाड में सिलेक्शन उनको लाया तो गलत किया, और ये हसन अली के साथ भी खुद जाती है। टीम के साथ तो जो आप कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट एक प्लेयर जो रेडी नहीं है, जिसका कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, आप उसको बार बार इंटरनेशनल स्टेज पे ले आते हैं, तो आई थिंक ये जिस तरह के चैंपियन प्लेयर वो रहे हैं ये उनके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए ऑब्वियसली जब भी आप कोई नया मैच खेलने जाते हैं, जब तक आप कुछ बाउंड्रीज नहीं मार लेते, रन्स नहीं कर लेते, कोई भी बैटर होता है उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है। पर ओवरऑल जब मैं बाबर की फास्ट बॉलिंग पे खासतौर पे बैटिंग देख रही हूँ तो कोई लंबा जौड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। टाइमिंग बहुत अच्छी है, कल के मैच में भी जो शॉट्स उन्होंने लगाई, खूबसूरत शॉट्स लगाई, सिर्फ उसको लंबा कैरी नहीं कर रहे, और स्पिनर पर थोड़ा सा अर्ली आ रहे हैं, पेस ऑफ द विकेट उस तरह से नज़र आ रहा है कि जज नहीं हो रही, तो वो थोड़ा सा आई थिंक उनको अपने आप को मॉनिटर करना है। बाकी ओवरऑल जिस तरह के वो प्लेयर हैं कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। ये एक मुश्किल सवाल है अब, क्योंकि शाहनवाज धानी ऑब्वियसली जो मैच उन्होंने खेला बहुत अच्छा मैच खेला, वही बात है अगर तो वो फिट थे उनको भी कल मैच खिलाना चाहिए था, चाहे जिसकी भी जगह खिलाते, पर कल उनको फिर मैच खिलाना चाहिए था। अब ऑब्वियसली ऑन फॉर्म देखें तो धानी ने जो पहला मैच खेला है मेरे ख्याल से आप उनको खिलाएंगे, बट प्रेशर जो होगा फाइनल मैच का, और विदाउट हैविंग फिटनेस जो मैच रेडी है, आप एक बॉलर को वापस कैसे डाल सकते हैं इंजरी के बाद। तो मेरे ख्याल से अब सेंसिबल बात यही है कि आप हसनैन के साथ ही जाएं।
देखिए आपके दो मेन प्लेयर्स जो मेन परफॉर्मेंस है शादाब खान और नसीम शाह, वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे। ऑब्वियसली वो एक बड़ा फैक्टर था। टॉस का भी कुछ रोल ज़रूर होता है। ज़्यादा पाकिस्तान के लिए परेशान कन बात उनकी बैटिंग लाइनअप है कि वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई पिछले 2-3 मैचेस में, तो ये ज़्यादा कंसर्न होगा। बाकी आई थिंक और कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ा ज़बरदस्त थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। फील्डिंग में ऑन एंड ऑफ कुछ लैप्सेज हुए हैं, पर मेरा नहीं ख्याल कि पिछले मैच को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान सर पे सवार करेगा। उनको पता है नसीम शाह वापस आएंगे, शादाब वापस आएंगे, उनकी बॉलिंग भी तगड़ी होती है और शादाब की वजह से बैटिंग भी तगड़ी होती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी अ डिफरेंट टीम इन द फाइनल।